तो यहाँ पे देखिए, कोई भी फसल के आजू बाजू में दो नलियाँ डाली है, यहाँ पे ये फसल के बाजू में डाली है, यहाँ पे ये देखो केली है, तो एक उधर से है एक इधर से है। तो ये एक नवीन फंडा मार्केट में आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको अगर ड्रिप करनी है तो आपको बताएंगे कि इस तरीके से ड्रिप करो, और इसके कई सारे फायदे गिनवाएंगे, जैसे कि पौधे के दोनों बाजू में पानी गिरता है तो वो अच्छा रहता है, एक नली बंद हो गई तो दूसरी नली साथ देती है, और 4 लीटर का ड्रिपर रहने से मतलब दिक्कत होती है, तो आप ऐसा डाल के इधर 2 लीटर का ड्रिपर लगवाइए, इधर 2 लीटर का ड्रिपर लगवाइए। तो ऐसे और कई सारे फायदे आपको गिनवाएंगे, लेकिन इसके तोटे आपको कोई नहीं बोलेगा। तो आज के वीडियो में हमने आपको एक ऐसा तरीका बोला है कि आप ये जो दो नलियां है इसके बदले एक ही नली डाल के इसके सारे के सारे फायदे आप कैसे पा सकते हो। क्योंकि देखिए, दो नली डाल के हमारा फायदा है, हमारा मतलब क्या, ड्रिप बनाने वाला, बेचने वाला, क्योंकि पूरा डबल ड्रिप बेची जाती है ना, लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाता है, पूरा खर्चा डबल हो जाता है। तो यही खर्चा कम करने का जो सीक्रेट है वो इस वीडियो में हमने आपको बताया है। आप यह वीडियो आखिरी तक देखिए तो आपको, जैसा हमने बोला है कि आपका आधा पैसा बचेगा, जरूर आपका आधा पैसा बचेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये किसान भाई बहुत लंबे से ग्वालियर से जलगांव आए हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए। भैया वहाँ पे गुलाब की खेती करते हैं, और इसके पहले वीडियो में भैया ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे थे ड्रिप के थिकनेस के बारे में, उसके जो उसके ऊपर नाम क्यों नहीं है वगैरह वगैरह चीज़ों के ऊपर। तो कुछ और सवाल भैया के रह गए थे, इसके लिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो सर पूछिए आपका सवाल। सर ये कह रहे हैं कि गुलाब की दूरी चौड़ाई होती है 6 फीट, उसके 6 फीट पे एक लाइन डाली जाती है। दिखाइए, आप दिखाइए बना के। ये इसकी चौड़ाई है। ओके, आपने बेड वगैरह बनाया उधर। हाँ, वो जो लाइन है इसमें एक एक फीट पे पौधे लगते हैं, लगाए जाते हैं। हाँ, अब इसमें हम नली यूज करते हैं, टू नली यूज करते हैं, एक जा तरफ पेड़ के और एक पेड़ के, ठीक है, इस तरफ। सर इसमें एक नली यूज करना चाहिए कि? आप कितने लीटर का ड्रिपर यूज कर रहे हो वहाँ पे? अभी तो ये 2 लीटर वाला है। तो बिल्कुल मत कीजिए 2 नली का इस्तेमाल। आज आप हमसे 4 लीटर का ड्रिपर लीजिए, एक ही नली डालिए। सर देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दो ड्रिपर मिला के 2 लीटर 4 लीटर पानी गिराती है, ये 4 लीटर पानी एक ड्रिपर गिराएगा। मानो बाद में आपको कोई दिक्कत लगे, मान लो कि बहुत 1.5 साल बाद आपको दिक्कत लगी, तब दूसरी नली लगाओ। इतनी दिनों में लगाई जाती है, पर मगर ये है कि ऐसे बीच में 6 फीट जब हमने जगह डिस्टेंस छोड़ा इसका, तो उसमें क्या है कि किसानों से कुछ लगवाया जाए बीच में, तो उसमें एक नली इंटर क्रॉपिंग ना। हाँ। तो नहीं, वो एक अलग बाग है, वो तो जैसा भी यूज़ कर रहे वैसा हमारा भी यूज़ करो, लेकिन मेरे हिसाब से गुलाब के पौधे को 2 नली की ज़रूरत नहीं है, एक नली पे आपका काम हो जाएगा। एक नली से बहुत टाइम में इधर पानी आ पाता है। नहीं, आप लंबाई कितना रखते हो? 150 फीट, 120 फीट। तो प्रेशर कम है पानी का, वो एक पानी का 1 इंची प्रेशर है। हाँ, नहीं लंबाई कितनी है? 110 फीट। और की नली की? हाँ, और आप कितने कितने एकड़ के प्लॉट गिरा रहे हो उसमें? वो एक एक बीघा का, एक आधा आधा हेक्टेयर। आधा आधा हेक्टेयर? हमारे हिसाब से ये गलत है। एक आधा आधा एकड़ का प्लॉट है, क्योंकि आपकी मोटर कम है, बराबर फिर सही है। तो आपका कहना क्या है कि अगर 4 लीटर पानी यहाँ से गिरेगा, तो सर अभी भी तो 4 ही गिर रहा है ना। सर एक मतलब 2 ग्लास आपने लिए, और आपका कहना है कि दोनों ऐसे बराबर पानी गिराया तो ज़्यादा पानी गिरेगा, और एक ही ग्लास लिया और उतना ही पानी गिराया, तो कम कैसे होगा? एक अगर नहीं, एक 2 लीटर वाली अपने पास अभी यूज कर रहे हैं, तो इधर एक दिन बाद सद आ पाती है कि पानी की नमी नहीं। समझ में आ रहा है मेरा? नहीं नहीं सर, देखो मैं बताता हूँ कि इस तरफ ना नली डाल दीजिए। हाँ, ये नली चल गई पेड़ के यहाँ तक, गीला हो गया ये। सर आपका ये सवाल है कि जहाँ पे ड्रिपर है वो ड्रिपर में से कितना एरिया कवर होता है, ये आपका सवाल है। सर देखो, आज भी आपका भी
ये पॉइंट पे अगर पानी गिर रहा है तो आधा आधा फीट चारों पांचों छह आठ ही बाजू में कवर होता है। सर देखिए आपका जो पेड़ है ना ये जिंदा है, तो ये भी खुद जहाँ पे पानी वहाँ पे अपने रूट पहुँचाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको जड़ तो ही रहना है, थोड़ा इधर उधर चार इंच चेंज हो गया ना, कोई दिक्कत आती नहीं। तो सर आपने अगर एक ही नली डाली आपके पेड़ के पास तो आधे फीट में तो उसका असर कवर हो जाता है। दो नली कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए? जहाँ बड़ा पेड़ है, आम चीकू आपके एरिया में गावा बनता है तो उसके लिए, ये छोटा पेड़ है सर, रोज गुलाब छोटा पेड़ है, उसके लिए दो नलियों की जरूरत ही नहीं है। आप खर्चा मत कीजिए ज़्यादा। और मान लो कि चलो भाई मैं गलत निकला, मैं तो भी आप दूसरी नली बाद में डालिए जब आपको सही लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।